नहीं है, कुछ मिला है ना, मोदी ना योगी सब चूल्हे भाड़ में जाए, होगी हम होगी। स्वागत है आप सभी का सीआईबी इंडिया न्यूज में। एक बार फिर हम अपने खास प्रोग्राम कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बहराइच में। आज बात करेंगे 2019 की, कौन बनेगा 2019 का प्रधानमंत्री। आइए, हमारे सामने स्थानीय जनता मौजूद है, बात करेंगे और जानेंगे कि कौन होगा 2019 का किंग। क्या नाम है सर? मेहता पठान। क्या लगता है 2019 का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। भाजपा की सरकार बने, लोग तो कह रहे हैं बदलाव होगा, बीजेपी ने सिर्फ वादे किए हैं और कुछ नहीं किया है। कहने से कुछ नहीं होता, जो किया वो देखते हैं ऐसे लोग। अभी कई राज्य में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने विजय हासिल की है, बिल्कुल की है, और बीजेपी हार गई है, क्या लगता है? वो जो दो चार हार गए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ की सांसद सावित्री बाई फूले थी जो अब इस समय दल बदल चुकी हैं, कांग्रेस में जा चुकी हैं, और इससे पहले वो मौजूदा भाजपा की सांसद थी। तो क्या होगा, सावित्री बाई फिर सांसद होंगी कांग्रेस से कि हार जाएंगी? नहीं, वो हार जाएंगी, हम सांसद बनाएंगे अपना भाजपा पार्टी से। भाजपा पार्टी से सांसद बनाएंगे। क्या नाम है चाचा? खलील अहमद। खलील अहमद जी, कौन बनेगा 2019 का प्रधानमंत्री? हम जिसकी खुशी होगी उसका देंगे, लड़की का पैसा सारा खाए लेन, ये बारवां पास है हमारी लड़की और एक पैसा नहीं पाया। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, कोई का नहीं विकास, कोई एक पैसा नहीं दी नहीं। क्या नाम है सर जी? हमारा नसरुद्दीन नाम है। कौन बनेगा 2019 का प्रधानमंत्री? अरे राहुल बनेगी इस समय। मोदी ने तो काम किया, विकास किया है, हमारा कुछ नहीं किया है। लोग तो कह रहे हैं विकास हुआ तो फिर मोदी क्यों नहीं? हम ग्रेजुएट हैं, हमको कुछ नहीं, फॉर्म भरे कैंसिल सब हो गए हैं सर, हमको कुछ नहीं मिला है। उनके सारे वादे पूरे हुए या नहीं? वादे कोई नहीं पूरे हुए, हमको दिखाई देता है 2000 रुपये थे वो फॉर्म वारम भरे, 2000 रुपये भी नहीं आए गाँव वाले। नहीं, लोग तो कह रहे हैं विकास हुआ है। विकास हुआ है, रोडों का तो विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो तो कहा था, तो क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा 5% हुआ है सर। मोदी ने कहा था युवाओं को नौकरी देंगे, तो नौकरी कहाँ पर मिली है? नहीं मिली है। नहीं मिली है, ग्रेजुएट पास हैं, घूम रहे हैं, दरी चद्दर बेच रहे हैं। क्या नाम है सर? नूर मोहम्मद। कौन बनेगा 2019 का प्रधानमंत्री? राहुल। मोदी ने तो काम किया है तो फिर वो क्यों नहीं? नहीं, हमारे नहीं गया कुछ। क्या नहीं काम किया आपका? कोनो काम नहीं हमारे किया है। अब्दुल गफ्फार, 2019 का चुनाव आ रहा है, 6 मई को यहाँ वोट पड़ेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। मोदी ने तो काम किया है? नहीं किया। विकास किया है? कुछ नहीं किया। योजनाएं, उज्जवल भविष्य योजनाएं, गैस योजनाएं, कुछ नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था खाते में पैसे आएंगे, कुछ नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? परवीन। 2019 का चुनाव आ रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल। मोदी ने तो काम किया है, विकास किया है, उनकी योजनाएं हैं, कुछ ना काम का। हमका गैस तो मिला ना, फार्म भरवा दिया तो गैस ना मिला, लेटरिंग के फार्म का भरवा दिया तो लेटरिंग ना, पैसा ना मिला। लोग तो कह रहे हैं मिला है, कुछ ना मिला सर, झूठा वादा है। योजनाएं चल रही थी, कुछ मिला? कुछ ना मिला। आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, कुछ ना, कुछ नहीं। मोदी ना योगी सब चूल्हे भाड़ में जाए, होगी हम होगी। 2019 का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार बनेगी, मोदी या राहुल या कोई नया चेहरा? अरे राहुल की बनी है, मोदी ने तो काम किया, विकास किया है। अरे कुछ ना, वो सब बेकार है, सब ढोंग है। मोदी जितना ले है उतना, जो उन्हें दे जितना उससे ज्यादा ले ले हैं मोदी के। मोदी कुछ ने अभी कहा है किसानों को 2000 रुपए खाते में देंगे, वो सब उनकी फौरेबी है, चाल हो। 15 लाख रुपए आए खाते में? कुछ ना, कुछ ना, 15 ना 20, कुछ ना आया हुआ। बिजली कनेक्शन? कुछ ना। 2019 का चुनाव आ रहा है जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल या कोई नया चेहरा? राहुल बनेंगे। मोदी ने तो विकास किया है? नहीं किया है। और लेटरिंग का फॉर्म भरा हमने, 200 रुपया एडवांस ले गए, कहें कि आपकी लेटरिंग आएगी, और लेटरिंग भी नहीं आई मेरी। कौन ले गया एडवांस? वही एक वाल्मीकि है, वो आते हैं जो कर्मचारी, वो लेके गए, कहीं आपका ऊपर वाले के कसम खा रहा हूं मैं कि आएगी लेटरिंग, और लेटरिंग भी नहीं आई। गठबंधन हुआ है, इससे क्या बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा? जी फर्क पड़ेगा। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी की बनना चाहिए। तो मोदी ने विकास किया है, आवास है, शौचालय है, इतनी इतनी योजनाएं उनकी चल रही हैं, तो वो दोबारा फिर क्यों सत्ता? कुछ नहीं, घूस दे रहे हैं सब इसके लिए, बड़े आदमी के लिए आ रहा है, गरीब आदमी के लिए नहीं आ रहा है। ये बड़े आदमी पैसा दे देते हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ रहता ही नहीं है।
हम गरीबों के पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से उनको घूस दे पाएंगे। हमारे पास इतना है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, गलत है ये चीज, कोई का विकास नहीं हो रहा है। 2019 का चुनाव आ रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल या कोई नया चेहरा? राहुल गांधी। मोदी ने तो विकास किया है, कौन चीज की हमारे नंगी छत पर ही है, ना लेटरिन है ना कुछ है। इतनी इतनी योजनाएं हैं उनके, आवास है, शौचालय है, लाइट है। अब कहां से हम लाइक है उनका 1000 रुपया जमा करी खाता खोलाई, 15 लाख रुपए आए क्या खाते? एक नवा नया हुआ है कोई चीज? अभी मोदी जी ने कहा था किसान को 2000 रुपए खाते में देंगे, मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। मोहम्मद फरीद खान, 2019 का चुनाव आने वाला है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। मोदी ने तो विकास किया है, मोदी चोर है। मोदी के 5 साल कार्यकाल में जो क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। इससे पहले जो सरकार थी उसमें महंगाई है या अब की सरकार में? पहले की सरकार सस्ती थी, अब की महंगाई। क्या महंगाई है, क्या महंगा है आपको? गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, इससे पहले क्या सस्ता था? और क्या, ये सपा बसपा का गठबंधन है। हाँ। या गठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा? हार रही है बीजेपी, बीजेपी हार रही। हाँ। है लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी देश की आंधी है, ऐसा कुछ है? तो आंधी है, वो आंधी बन के आई है, आंधी बन के आई है। यहाँ पे जो मौजूदा सांसद सावित्री बाई फूले बीजेपी की थी, उन्होंने अपना पहला बदल लिया, वो कांग्रेस में चली गई है, क्या लगता है? तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी ना, तभी वो बदल लिए। मोदी या राहुल? राहुल गांधी बताओ ना। राहुल गांधी। मोदी ने तो विकास किया है, तो फिर मोदी क्यों नहीं आ सकते दोबारा? तो क्या किया है ना, कोई के कुछ काम है, टॉयलेट का भरा 1 साल का कुछ नहीं हुआ काम, ना आवास का हुआ, कोई चीज ना हुआ। अब की बार तो प्रियंका मैदान में है, प्रियंका के लोग कह रहे हैं कि आंधी है, तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है? उज्मा फारूकी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। क्यों, मोदी ने तो विकास किया है? विकास किया है, मगर गरीबों के लिए नहीं, क्या सिर्फ अमीरों को मिला? मोदी है। ने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये सब गलत था। जिसको मिला है, जो अमीर है उसको मिला, जो गरीब है वो ऐसे ठहर रहे, उनको क्या मिलेगा? वैसे भी उनका कौन है, वो खुद कमाते खाते, इससे और क्या। तो इस अब से बार किसकी सरकार? अब की हमको लग रहा है शायद राहुल गांधी की होगी, शायद राहुल बनेगा 2019 का प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल या कोई नया चेहरा? राहुल। क्यों, मोदी ने तो विकास किया है? मोदी ने क्या विकास किया, उसी का विकास किया है जिसका नहीं होना चाहिए, करोड़पतियों का विकास किया है, गरीबों का अन्यास किया है। अब की बार तो प्रियंका मैदान में है, क्या लगता है प्रियंका की आंधी चलेगी या नहीं? चलेगी, चलेगी। आंधी चलेगी, प्रियंका की आंधी चलेगी। मोदी जी के का चुनाव आ रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल? राहुल। मोदी ने तो विकास किया है, मोदी ने कोई विकास नहीं किया, खाली चूतिया बनाया पब्लिक को। मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, बस खाली पूंजीपतियों का विकास हुआ, बाकी गरीब तो बिल्कुल गड्ढे में चला गया। अब से जो सपा बसपा का गठबंधन है, इससे बीजेपी के कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जिस 2014 में जो बीजेपी की लहर थी वो है अब की या नहीं? कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल। 2019 का चुनाव आ रहा है, कौन होगा प्रधानमंत्री, मोदी या प्रधानमंत्री? तो हमारा राहुल गांधी है, मोदी सबसे बढ़िया है ना। अरे मोदी ने क्या विकास किया? मोदी की बहुत सी योजनाएं, 2000 रुपए का नोट निकाल दिया, आली फुटकर नहीं मिला तो मोदी विकास करी नहीं? इस समय जो मोदी का काहे का विकास किया है मोदी ने? नहीं, विकास किया आवास है। मैं तो डरता नहीं, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि बीजेपी बिल्कुल समझ लो चली गई, कांग्रेस हमारी है। बीजेपी की लहर थी इस बार है? इस बार तो नहीं रहेगी, इस बार कांग्रेस। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी, नहीं बस कांग्रेस हाथ का पंजा। नोटबंदी में मोदी जी ने नोटबंदी किया था, उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा का हुआ, आधे ज्यादा तो हार्ट अटैक से मर गए, और बाकी जो उन रहे हैं तो खेते चलावत में मर गए। मोदी जी ने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 रुपया तो आवन है, 15 लाख का आई है। 2019 का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार बनेगी, मोदी या राहुल? राहुल की। मोदी ने तो विकास किया है, आवास है, शौचालय है, बहुत सी योजनाएं हैं। हमका नहीं मिला तो हम सरकार। मोदी ने कहा था सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आया ना आया? वो
15 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, घंटा बनेगी, 200 रुपया 150 कट जाएगा, बीजेपी की सरकार नहीं घंटा बनेगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।